नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी विस्तार में हम बात करेंगे थूजा या मोरपंखी के पौधे की देखभाल के बारे में। अगर आप थूजा या मोरपंखी का पौधा नर्सरी से परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, या आपने पहले से ही नर्सरी से मोरपंखी या थूजा का पौधा परचेज कर लिया है और अब इसकी देखभाल को लेकर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल है, तो आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैं ऐसी केयर टिप्स आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आपके थूजा या मोरपंखी के पौधे के अंदर किसी प्रकार की समस्या है तो न सिर्फ वो खत्म होगी बल्कि आपके मोरपंखी के पौधे में ग्रोथ भी आपको शानदार देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में कुछ रोचक जानकारियां शेयर करना चाहूंगा मोरपंखी के पौधे के बारे में। दोस्तों, थूजा प्लांट की उत्पत्ति अमेरिका में हुई है। थूजा जो शब्द है ये लैटिन के शब्द थ्या या थिया से आया है, जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन वृक्ष। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधा एक तो सदाबहार है और इसका जो लाइफ स्पान है यानी इसका जो जीवन है वो 700 से 800 साल तक का हो सकता है अगर ये अपने नेटिव कंडीशन में ग्रो करता है। तो इसीलिए इसको हमेशा हरा भरा रहने की वजह से और जो है लंबी उम्र इसकी होने की वजह से इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। हिंदी में इसे मोरपंखी या विद्या भी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को तैयार किया गया है माजरा नर्सरी में। माजरा नर्सरी गांव ऊंचा माजरा, तहसील पटौदी, गुड़गांव जिले में है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप इस बोर्ड पर ऊपर देख पा रहे होंगे। काफी सस्ते प्लांट आप यहां से खरीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोरपंखी के पौधे की देखभाल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया, ये पौधा लंबे समय तक चलता है और इजी टू केयर है अगर आप इसको जमीन में लगा रहे हैं। अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो सिर्फ इसके आसपास की जो नमी है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्लांट को नमी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसके आसपास की मिट्टी थोड़ा नम रहे अगर आप इसको जमीन में लगा रहे हैं, बस इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इस प्लांट को कोई खास केयर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप इसे गमले में लगाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी सी इसकी केयर जो है बढ़ जाती है, क्योंकि गमले के अंदर इसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ये प्लांट लंबे समय तक चलता है और इसको अगर आप घर के सामने प्रवेश द्वार पर इसको लगाते हैं तो इसको शुभ भी माना गया है। अगर आप इसे गमले में लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे सही जो गमला रहता है वो 12 से 24 इंच का गमला रहता है। इससे छोटा गमला आप मत रखिए, वरना रूट्स जो है इसकी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। गमले में अगर आप इसको लगाते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो ये पौधा सैकड़ों फिट जो है हाइट में बढ़ जाता है समय के साथ में। गमले के अंदर आप इसको छोटी अवस्था में या छोटी हाइट में मेंटेन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि जो पोटिंग सोयल मिक्स इसके लिए आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आपको तकरीबन 50% जो है गार्डन सोयल नॉर्मल जो मिट्टी होती है वो रखनी है। 30% आप इसमें रेतीली मिट्टी मिक्स कीजिए ताकि ड्रेनेज अच्छी रहे गमले के अंदर। 20% हिस्सा आप ऑर्गेनिक मटेरियल का रखिए, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उनका 20% हिस्सा गमले के अंदर जरूर रखिए ताकि इसको जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो अच्छे से मिल पाए। 2 से 3 साल के अंदर इसकी रूट्स की प्रूनिंग आपको करनी पड़ेगी और रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। गमले में क्योंकि आप इसको रख रहे हैं तो मॉइस्चर जो है ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। गर्मियों में खास तौर पर इसको दिन में जो है 2 बार भी आपको गमले के अंदर पानी देना पड़ेगा। तेज़ धूप जहाँ पर पड़ती हो ऐसी जगह पर आप इसको मत रखिए। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में आप जहाँ पर सीधा तेज़ धूप, जो गर्मियों की तीखी जो धूप आती है, ऐसी लोकेशन पर अगर आप रख देते हैं 1 से 3 बजे की धूप जहाँ पर सीधा सीधा इस पौधे पर गिरे तो इसकी पत्तियाँ जो है वो ब्राउन पड़ना शुरू हो जाती है और इसके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोपहर की जो तीखी धूप है, जो तेज़ धूप है, वो इस पौधे पर ना पड़े, इस तरीके से आपको इसको रखना है। लेकिन 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को मिल पाए, इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान रखिए। इसको खाद जो है आप महीने में एक बार जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। वैसे तो आप जो है पोटिंग सोयल मिक्स के अंदर पहले से ही ऑर्गेनिक मटेरियल जो है रख रहे हैं, लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल आप पोटिंग सोयल मिक्स में रखेंगे ये 3 से 4 महीने के बाद में खत्म हो जाता है। तो आप जो है मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए, गमले की मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए महीने में एक बार, महीने में नहीं तो कम से कम 3 महीने में एक बार इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जैसे पदार्थों का जरूर रखिए। इसके अंदर किसी प्रकार की कीड़ों की समस्या नहीं होती है, तो कीटनाशक या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल आपको इस पौधे में नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नमी का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। गमले के अंदर ड्रेनेज अच्छी रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर गमले के अंदर पानी जो है लगातार खड़ा रहता है तो भी इसकी जो जड़ें हैं वो गलसड़ सकती है, रूट रोट इसके अंदर बन सकता है। हमें पानी इस प्रकार से देना है कि एक बार जो गमले के नीचे जो ड्रेनेज होल है उससे पानी निकले और उसके बाद मिट्टी जो है ऊपर गमले की 2 इंच सूख जाए, तब तक वेट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट वाटरिंग करनी है। लेकिन इस पौधे में, पौधे की जो जड़ें हैं उनके आसपास हमेशा जो है थोड़ा नमी बनी रहे, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, वरना ये प्लांट जो है कम नमी की वजह से भी बड़ी जल्दी डेड हो जाता है। इस पौधे को कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान है, तो बारिश के मौसम में अगर आप चाहे तो इसकी जो कोई ब्रांच है उससे आप इसकी कटिंग से नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। कटिंग से इस पौधे को ग्रो करना काफ़ी ईजी है
और किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर जो है इसके ऊपर ज्यादा जानकारी शेयर करूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। नए दर्शक है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के गार्डनिंग के वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।